दोस्तों, मैं हूं मनमिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और मैं आज आपको बहराम ठग की कहानी सुनाने वाली हूं। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी थी और मुगल लगभग उनके दिन लग चुके थे, राजे रजवाड़ों के दिन लग चुके थे। और बहराम ठग जो है, इनका नाम अंग्रेजों की फाइलों में दर्ज है और साथ में ही जो बहराम ठग है, इसका वो हथियार भी आज भी इंग्लैंड में सुरक्षित रखा हुआ है। मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बहराम ठग को अंग्रेज ऑफिसर पकड़ते हैं, उसके बाद उसको फांसी लगती है और उसका वो कौन सा हथियार है जो आज भी इंग्लैंड में सुरक्षित रखा हुआ है। आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें बहराम ठग को किस तरीके से पकड़ा जाता है ये भी मैं सब आपको बताऊँगी कि वो कौन सा अधिकारी था जिसने इसे पकड़ा। बहराम ठग जबलपुर और कटनी शहर के बीच में एक खौफ का नाम था, ऐसा नाम जिसकी आहट से मीलों दूर तक इंसानों की आहट खत्म हो जाती थी, वहाँ सन्नाटा पसर जाता था और दहशत से पूरी कायनात कांप जाती थी। जिस रास्ते से वो गुजरता था उस रास्ते से कोई इंसान नहीं गुजरता था, बल्कि जो दूर दराज लोग रह रहे होते थे वो भी भीड़ों में जाकर के छिप जाते थे। सच में वो इंसान नहीं था, वो एक वहशी भेड़िया था जिसे दुनिया बहराम ठग के नाम से जानती है। 50 सालों तक इस खूंखार जानवर ने न केवल आतंक फैलाया बल्कि 931 लोगों का मर्डर भी किया। इतने लोगों का कत्ल जो है करके इसने अपना नाम गिनीज बुक में भी दर्ज करवाया। और ख़ास बात यह है कि इंसानों का दुश्मन किसी हथियार या कोई औजार का इस्तेमाल नहीं करता था, ये केवल एक रुमाल का इस्तेमाल करता था। और इससे चूंकि आतंक बहुत बढ़ चुका था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की। कटनी से जबलपुर के बीच में इसका आतंक इस कदर था कि बहराम ठग व्यापारियों और जो वहाँ से गुजरने वाले लोग होते थे उनको ये लूट लेता था। ये विश्व का ऐसा ठग है जिसने दुनिया का आज तक का सबसे क्रूर सीरियल किलर का खिताब हासिल किया हुआ है, मैंने इसका किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। इसका खौफ दिल्ली से लेकर के ग्वालियर और जबलपुर से होते हुए कटनी तक था। उन रास्तों पे लोगों ने चलना बंद कर दिया था। 18वीं सदी खत्म होने को थी और मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी और उस समय वो अपनी कानून और व्यवस्था को भी शेप दे रहे थे। लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते में जो भी थाने पड़ते थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब वहाँ किसी की गुमशुदगी की शिकायत ना दर्ज हो। आतंक ऐसा बढ़ा कि व्यापारी, मुनीम, दुल्हनों की डोलियाँ तक गायब होने लगी। लेकिन अंग्रेज लोग तब चौंके जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोलियाँ भी गायब होने लगी और ये उनके लिए अलार्मिंग स्टेज थी। 1809 में इंग्लैंड से भारत आने वाले अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विलियम सिलेमन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारी बातें बताई और किस तरीके से रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो रहे थे, ये सारी चीज़ें उससे चर्चा की। इसके बाद इस ऑफिसर को स्पेशल ड्यूटी पर भारत भेजा जाता है और यही नहीं, उन जो ठगी करने वाला बहराम है उसको पकड़ने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनती है, एक पूरा कैंप, बेस कैंप तैयार होता है
और इसे पकड़ने के लिए जंगल कटवाए जाते हैं। पूरे गुप्तचरों का जो एक जाल बिछाया जाता है और गुप्तचरों की मदद से इस ऑफिसर ने पहले तो जो उनकी भाषा थी उसको समझने की कोशिश की और करीब 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद बहराम ठग को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। लेकिन आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि बहराम ठग किस तरीके से ठगी करता था और किस तरीके से बिना हथियार के वो हत्याएं करता था। जब रास्ते से कोई काफिला गुजरता तो एकाएक गीदड़ों के रोने की आवाज़ सी होती और गिरोह सक्रिय हो जाता। थोड़ी ही देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बहराम ठग वहाँ पहुँच जाता। सारे ठग पहले से ही लोगों का मुआयना करते और बहराम ठग अपने गुर्गे को अपना सबसे कीमती पसंदीदा और बहुत कहना चाहिए कि मिरेकल वाला जो रुमाल है निकालने को कहता और फिर वो एक सिक्का अपनी जेब से निकाल के उस रुमाल में बांध देता, उसको टाई कर देता और गांठ लगाने के बाद इस तरीके से वो गले में रखता कि दो ही पलों में वो इंसान की जान ले लेता। किस तरीके से उसको फांसी लगाई जाती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है, वहाँ के कटनी के लोग इस बात की गवाही देते हैं जो बहुत पुराने लोग हैं, एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को जो उन्होंने कहानियाँ बताई उनसे जो लबोलबाब निकल के आता है सामने इतिहासकारों के सामने, उसके अनुसार कटनी ज़िले में बहराम को फांसी दी गई थी। बहराम की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी जो सदस्य हैं वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और उन सबको भी जबलपुर में फांसी दे दी जाती है। बहराम ठग का ये रुमाल इंग्लैंड में आज भी सुरक्षित है। और एक और जो बहुत दिलचस्प बात है, कर्नल के वंशज आज भी सलीमनाबाद पहुँचते हैं। अंग्रेज अधिकारी कर्नल हेनरी विलियम सलीमन नाम से गांव का नाम सलीमनाबाद पड़ गया था उस समय। और कर्नल के 7वीं पीढ़ी के लोग जब भारत आए तो उन्होंने उस गांव का दौरा किया।